बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे तीन अहम इशूज़ के हवाले से। जो हम कहते रहते थे, जो डिस्कस करते रहते थे, वही चीज़ें अब सबूत के तौर पर सामने आ रही हैं। और नवाज़ शरीफ, जिसको गद्दार कहा जाता है और वो मुल्क से बाहर बैठकर लंदन में बैठकर अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहा है और मोदी के यार और मोदी के एजेंट से खुफिया मुलाकात करते पकड़ा गया है नवाज़ शरीफ, और वो भी इन दिनों में जब अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ पाकिस्तान के हालात इतने कशीदा हैं कि दोनों ममालिक ने अपने सफीरों को वापस बुला लिया है। ऐसे हालात में अफ़गान हुकूमत के अहम नुमाइंदे से मुलाकात करना, और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आने वाला है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से दो दिन पहले मुलाकात करना, ये क्या साबित करता है? और फिर इस मुलाकात के बाद अफ़गान मुजाहरीन का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन पर हमला करना और वहाँ पर पाकिस्तानियों को जदोकोब करना, ये सारे ही, ये बेसिकली एक ही ड्रामा है जिसको ये रचाया जा रहा है लंदन में बैठकर। और उसमें मोदी के साथ नवाज शरीफ भी पार्टनर हैं, एक्टर हैं उस ड्रामे में। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के हवाले से। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की, और अली अमीन गंडापुर की तरफ से सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी बातें हुई हैं, और जैसे मरियम नवाज़ बातें करती है या राना सनाउल्लाह बातें करता है और हमेशा एक ताना देता है कि ये कंटेनर की पैदावार हैं, कंटेनर वाले ये वो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक जुमला, वो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तकलीफ बड़ी है जब अली अमीन गंडापुर ने एक बात तो ये की थी कि आप कहाँ से कश्मीरी हो गई, आप तो एक लोहार की पोती हैं और आपका तो ख़ानदान लोहारों का था, आप कहाँ कश्मीर की बेटी होगी, कभी आप सवात की बेटी बन जाती हैं। ये अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था। अब उनको ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एक इलेक्शन कंपेन है जहां मरियम नवाज खड़े होकर इमरान खान के बेटों को यहूदियों का नवासा कह सकती है, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। फिर अली अमीन गंडापुर ने भी ये बात की। सियासत में ये ना मरियम नवाज को ये बात करनी चाहिए थी, ना अली अमीन गंडापुर को। फिर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान एक जलसे में भी एक बात की थी, और सबसे ज्यादा जो तकलीफ पहुंचती है मरियम नवाज को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो अली अमीन गंडापुर के उस जुमले से और फिर दोबारा उसको जो दोहराया है आजाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में, वो ये है कि 8 करोड़ रुपए मरियम नवाज अपने चेहरे की सर्जरी पर लगाती हैं और अपने आप को जवान शो करने के लिए। और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ये हमारे टैक्सों का पैसा था जो 8 करोड़ रुपए चेहरे की सर्जरी पर लगाया गया और सर्जरी करवाई गई। ये अली अमीन गंडापुर का, आप जानते हैं कि ये लोग लाखों रुपए के ये जूते पहनते हैं, इनके जो ड्रेसिंग है, जो इनके मेकअप हैं, ये सारी चीज़ें, जो लोग अपने घर का खर्चा भी वो खोखर ब्रादरान के ज़रिए चलवाते हैं, या आजकल मिफ्ता इस्माइल एटीएम बना हुआ है, तो क्या वो लोग मेकअप जो करते थे या जो अपनी ज़रूरियात, ज़ाती ज़रूरियात का सामान? मरियम नवाज़ ने जब जेल जाना था, कोट लखपत जेल, और ये लंदन से नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ वापस आ रहे थे, तब आपको याद होगा मरियम नवाज़ ने जब एयरपोर्ट पर उतरे थे दुबई में मेरे ख्याल में, तो वहां पर पहले शॉपिंग की थी और फिर जो मरियम नवाज जो है वो उनकी फ्लाइट आई थी और फिर वो जेल में गए थे। तो इनको, और अभी लाहौर हाईकोर्ट ने फरमाया है कि मरियम नवाज को अगर जेल भिजवाना हुआ तो कम से कम 8 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना है ताकि वो अपना साजो सामान मेकअप का इकट्ठा कर ले और फिर वो जेल में जाए। ये चीजें फैक्ट्स हैं। लेकिन जब इलेक्शन कंपेन होती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफिले पर हमला किया जाता है, ज़ख्मी किया जाता है और पथराव किया जाता है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत नहीं बोलती, दूसरी तरफ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा के ऊपर हमला किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, उनके बेटे को ज़ख्मी किया गया, ये पीटीआई की रैली थी, तो जब ये सारा कुछ होता है इलेक्शंस में, डस्का इलेक्शन वाले दिन जो दो लोगों की जान ले ली गई थी राना सनाउल्लाह के खास लोगों की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं। अब इस पर इनको इतना चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायर खकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि ये जो बदजुबानी मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा कह रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब वो मजम्मत ज़रूर करेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जब आप ख़ुद बदतमीज़ी को शुरू करेंगे, जब आप ख़ुद गालम गलूज की सियासत को शुरू करेंगे, आप ये कहेंगे और अपने कारकुनान को ये कहेंगे कि कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम 20 मारेंगे, कोई हमारे गिरबान को पकड़ेगा तो हम उसके गिरबान से पकड़ेंगे, और फिर जो कुछ आबिद शेर अली ने किया और आपने उसको डिफेंड किया है, उसके बाद फिर आपको कम अज़ कम अखलाकियात का
का जो दर्स है वो नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ लंदन में अफगान मुजाहरीन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया है और अफगान मुजाहरीन वहाँ पर मुजाहरा कर रहे थे और आप जानते हैं अफगान सफीर की बेटी का ड्रामा था, वो बेनकाब हो गया, वो मुल्क से भाग गए और अफगान हुकूमत जाते जाते अफगान हुकूमत को उसके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, उसको जो तालिबान के मुंह में छोड़कर चले गए अमेरिका वाले और अमेरिका वाले रात के अंधेरे में काबुल से भागे हैं। अब इंडिया ने जो वहाँ पर अरबों रुपए डॉलर की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी की सारी पर पानी फिर गया है और इंडिया को घुसने नहीं देते तालिबान अफगानिस्तान में। अब इंडिया और जो अफगान हुकूमत है वो अपनी नलायकियों का जो मलबा है वो पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं, वो अपनी हारी हुई जंग का, अमेरिका जो 20 साल जंग लड़ा है और बिलाखिर वो जंग हारा है, उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ पिछले एक हफ्ता से अफगान हुकूमत सिर्फ एक ही काम कर रही है और वो पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ बातें कह रही है या पाकिस्तान के खिलाफ बातें कह रही है, वही अफगान सफीर की बेटी का ड्रामा था और उसी पर एक मुजाहरा होता है लंदन में और वो लंदन में जो मुजाहरा है उन अफगान मुजाहरीन को मुजाहरा करते हुए ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए थी कि पाकिस्तान ने इस जंग में उनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जंग पाकिस्तान की नहीं थी, पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, फिर पाकिस्तान ने लाखों उनके जो वहाँ से मुतासरीन थे उस जंग के उनको पनाह दी, उनको अपने घर जैसा माहौल दिया। यहाँ पर अफगान स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कभी भी यहाँ पर ये बात तो देखी ही नहीं गई कि ये अफगान है, हमेशा उनको अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया गया है। वो अफगान मुजाहरीन जो बेसिकली इंडियन नेशनल थे, रा के एजेंट्स थे और उसमें अफगान एजेंसी के भी लोग थे, उन्होंने वहाँ पर मुजाहरा किया और लंदन हाई कमीशन पर हमला किया और उस हमले में जो मुख्तलिफ आप अंदाज़ा लगाएं जियो जंग जैसे लोग जो जब वो उनके रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया और उनको भी ज़ख्मी किया गया और वहाँ पर फिर बरतानवी पुलिस पहुँची और उन्होंने वहाँ से गिरफ्तारियाँ की और मामले को ठीक किया। आप पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं अफगान ये मुजाहरा करके, और अफगान की जब मैं बात करता हूँ तो वो अफगानिस्तान के ओरिजिनल लोग नहीं हैं, ये तो वो लोग हैं जो इंडिया और अमेरिका और अफगान हुकूमत के पेरोल पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो हमला किया है और पाकिस्तान हाई कमीशन पर और पाकिस्तानियों को जद्दोजहद की है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और साथ नवाज शरीफ उन्हीं अफगान हुकूमत के ख़ास लोगों से जिनको कहा जाता है कि वो मोदी के एजेंट हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और ये जो मुलाकात है जो नवाज शरीफ की ये मुलाकात होती है मिस्टर मुहिब के साथ। ये मिस्टर जो मुहिब है आप जानते हैं पिछले दिनों जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं वजारत खारजा के उनकी और जो मुहिब है उनकी आपस में काफ़ी जो मामलात हैं उसके ऊपर जो मुँह मारी हुई थी और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन इल्ज़ामात को भी रद्द किया गया था और ये कहा था कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं इस सारे मामलात में अब नवाज शरीफ उन लोगों के साथ मुलाकातें कर रहा है और ये इलेक्शन आने वाला है और ये इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में और उस इलेक्शन से चंद रोज़ पहले इस तरह की मुलाकातें करना और ये अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र है मुहिब, अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ नवाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं। कब मुलाकात कर रहे हैं? जब अफगान और अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के हालात कशीदा हैं और उस कशीदा सूरत हाल में अफगानिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है, पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है, अफगानिस्तान हुकूमत वहाँ हार चुकी है, अमेरिका दुम दुबा कर भाग गया है, भारत ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी सारी की सारी ज़ाया हो चुकी है और ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तानी फ़ौज डेली बेसिस पर शहदा को उठा रही है अफगान बॉर्डर से, ऐसे दिनों में अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ मुलाकात नवाज शरीफ की होना ये आज खुद एक सबूत है कि नवाज शरीफ इस वक्त गद्दारी में अल्ताफ़ हुसैन को पीछे छोड़ चुके हैं। नवाज शरीफ का जो एजेंडा है, नवाज शरीफ का जो मामला है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान को डिसटेबलाइज करें, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और डिसटेबलाइज करके पाकिस्तान को वो ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत शायद आ जाए, उनको दोबारा मौका मिल जाए मुल्क को लूटने का और वो अपनी मर्ज़ी के भारत के साथ मामला तय करके, अफगान हुकूमत के साथ मामला तय करके, अमेरिका के साथ मामला तय करके वो शायद इमरान खान को घर भेज सकें।
पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के जो तर्जमान हैं उन्होंने अपना रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि लंदन में नवाज शरीफ और अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले से मुलाकात की, मुलाकात से क्या वाजे होता है और नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है आज पूरी कौम ये समझ चुकी है। और इस मुलाकात में ये बात डिस्कस हुई है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़े बनाना है और इसको भी मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन की तरह जो है वो सामने लेकर आना है। हालांकि गैलप सर्वे की रिपोर्ट मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा आज, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ के जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो जो गैलप सर्वे आज तक नून लीग के हक में रिपोर्टें दिया करता था, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो पाकिस्तान कश्मीरी हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आज़ाद होने जा रहा है। 67% कश्मीरियों का जो पसंदीदा लीडर है वो इमरान खान है। ये गैलप सर्वे की आज की रिपोर्ट है और ये बैठकर लंदन में ये एजेंडा बना रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले इन्होंने जो कश्मीर सूबा बनाने के हवाले से उस मामले को उठाया और अब कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़े बनाकर ये दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिर्फ भारत ने ही कब्ज़ा नहीं किया हुआ, पाकिस्तान भी काबिज़ है आज़ाद कश्मीर पर। ये इतने मुल्क दुश्मन हैं और ये इस हद तक जा चुके हैं और ये दोबारा मुल्क लूटने के लिए या दोबारा हुकूमत लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे इनको मुल्क को बेचना क्यों ना पड़े। अब देखते हैं इस पर मजीद हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।